हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में बायो मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर में अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो मैं आज इस वीडियो में अमीनो एसिड्स का सुपर ट्रिक देने जा रहा हूँ। टोटल कितने अमीनो एसिड्स हैं ये बताऊँगा और कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं ये भी बताऊँगा। तो अमीनो एसिड्स को याद करना होगा आसान, बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में कुछ बात। तो टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ने हम लोगों को। अभी 21 टाइप्स का अमीनो एसिड आ चुका है, लेकिन एक जो है सोलेनोसिस्टिन, उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी नहीं करते हैं। बस 20 टाइप्स का अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। तो 20 टाइप्स का अमीनो एसिड्स कौन कौन सा है ये देखेंगे। तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं वो जानते हैं पहले। तो वैसा अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड होता है उसे कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। या इसका एक और डेफिनेशन है, वैसा अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में बाहर से लिया जाता है उसे कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड इज टेकन बाय बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स को देखते हैं कौन कौन सा है। तो फिनाइल एलानिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, हिस्टिडिन। तो ये सब हम लोगों को कॉम्बिनेशन याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज हम लोग इस ट्रिक के थ्रू देखेंगे कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कैसे करना होगा आसान। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स का ट्रिक है पी वी टी टीम हॉल। तो पी से फिनाइल एलानिन, वी से वैलिन, टी से थ्रियोनिन, PVT। अब टीम, TIM टीम। तो टी से ट्रिप्टोफान, आई से आइसोल्यूसिन, एम से मिथियोनिन, टीम हो गया। अब हॉल, HALL, एच से हिस्टिडिन, ए से आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन। तो PVT टीम हॉल से एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हम लोग इजिली याद रख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स, फाइंड द एसेंशियल अमीनो एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, अगर चार ऑप्शन दिया और उसमें से कहता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन सा है तो उसको चूज करें, तो हम लोग इजिली कर लेंगे। चार ऑप्शन देगा, फिनाइल एलानिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन। तो हम लोग इजिली PVT टीम हॉल से स्टार्टिंग में ही है, पी से फिनाइल एलानिन। तो हम लोग इजिली उसको सिलेक्ट कर लेंगे या चूज कर लेंगे। अब ये तो मैंने बात कहा एसेंशियल अमीनो एसिड्स का, अब बचे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हम लोग देख लिए ट्रिक के थ्रू PVT टीम हॉल। अब जितने भी बचे फ्रेंड्स 10 और, तो वो नॉन एसेंशियल में चला जाएगा। अगर हम लोग को एसेंशियल अमीनो एसिड्स याद होते हैं तो नॉन एसेंशियल तो ऑटोमेटिक है कि जो भी बचे उसके एक्सेप्ट जितना भी बचा वो कितना कौन सा हो जाएगा, तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। तो PVT टीम हॉल के बाद जितना भी बचा वो क्या हो जाएगा, तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। उसका भी मैं नाम बता देता हूँ आपको, एलानिन, एस्पाराजाइन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन। तो 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का ये नाम था। अब ये जो हम लोग अमीनो एसिड्स 20 टाइप्स के देखे, तो इसमें भी सबको कैटेगराइज किया गया है कि कौन सा अमीनो एसिड्स किस हाइड्रोकार्बन या किस कंपाउंड में आता है। तो देखते हैं कौन सा अमीनो एसिड्स किस हाइड्रोकार्बन्स या कंपाउंड में आता है। तो एलिफैटिक कंपाउंड, एक होता है एलिफैटिक कंपाउंड, तो उसमें एलानिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, प्रोलिन, वैलिन, ये जो छः अमीनो एसिड्स हैं ये आते हैं एलिफैटिक में। अब देखते हैं एरोमेटिक, तो एरोमेटिक का क्या है, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान,
ये था एरोमेटिक का। अब एसिडिक, तो एसिडिक वाला होता है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये तो नाम से ही क्लियर है, एसिडिक हाइड्रोकार्बन। अगर एसिडिक एमिनो एसिड की बात करें तो एस्पार्टिक एसिड, एसिड लगा हुआ है इसके नाम के आगे, सॉरी लास्ट में, और ग्लूटामिक एसिड, इसके भी नाम के लास्ट में लगा हुआ है एसिड। अब है बेसिक, तो बेसिक में आ जाएगा आर्जिनिन, हिस्टिडिन, लाइसिन, ये तीन बेसिक है। हाइड्रोक्सिलिक OH ग्रुप वाला, तो इसमें है सेरीन और थ्रियोनिन। अब सल्फर कंटेनिंग, तो सल्फर कंटेनिंग है सिस्टीन और मिथियोनिन। एमाइडिक, एमाइडिक बोले तो कंटेनिंग ग्रुप ऑफ अमाइड, वैसा कंपाउंड जो अमाइड ग्रुप कंटेन करता हो, तो उसमें आ जाता है अस्पारजीन, अस्पाराजीन, ग्लूटामिन। ऑल 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स हम लोग देख लिए कि एसेंशियल कौन कौन सा होता है, नॉन एसेंशियल कौन कौन सा होता है, और उसके बाद कौन से हाइड्रोकार्बन ग्रुप में कौन सा आता है या कौन से कंपाउंड के थ्रू कौन सा आता है। तो अगले वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि एलिफैटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ये सब सारा का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग बस इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।